तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे जो मेरा स्वराज का 969 FP 2022 ट्रैक्टर मॉडल है उसमें हमारी को क्या क्या कमियां देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से एक जो फार्मर या कोई भी उसका कस्टमर है एक बार सोचने के लिए परेशान हो जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो इस ट्रैक्टर की मेरी सबसे बड़ी कमी इस ट्रैक्टर में हमारे को देखने को मिलती है वो है इस ट्रैक्टर का इंजन। ये ट्रैक्टर का इंजन मेरा 70 HP का इंजन है और कोई भी इंडियन जितने भी मेरी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं इस इतने बड़े सेगमेंट के ट्रैक्टर में किसी भी कंपनी हमारे को कोई भी कंपनी 3 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड नहीं करती, जबकि इस ट्रैक्टर में हमारे को 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। यानी जो मेरी 70 HP यानी अगर हम 3 सिलेंडर इंजन से लेते हैं तो यहाँ पे हमारी जो ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ है वो उतनी रिड्यूस हो जाती है, जबकि जो मेरा 4 सिलेंडर इंजन रहता है अगर बात करें उसके टॉर्क बैकअप की तो 4 सिलेंडर इंजन का टॉर्क बैकअप हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पर जो मेरा इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी कमी है वो है इस ट्रैक्टर का हमारा इंजन। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी जो दूसरी कमी है वो है इस ट्रैक्टर के इंजन में प्रोवाइड किया गया EGR सिस्टम। जैसे आप देख सकते हो ये मेरी EGR की पाइप है जो मेरी इंटेक सिस्टम में इस ट्रैक्टर में जा रही है। तो जो मेरा इस ट्रैक्टर में EGR सिस्टम दिया गया है ओपन टाइप EGR सिस्टम दिया गया है, यानी उसमें हमारे को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट वॉल्व नहीं दिया गया है। जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करोगे या ट्रैक्टर आपका किसी भी लोड पे चल रहा होगा तो ये EGR सिस्टम कंटिन्यू मेरा ट्रैक्टर में काम करता रहता है। यानी जब आप मान लीजिए जून दिसंबर या जनवरी के महीने में भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करोगे काफ़ी कोल्ड कंडीशन में तब भी ये EGR सिस्टम मेरा चलता रहता है, जो मेरा हल्का सा ब्लैक स्मोक का ट्रैक्टर में रीज़न मेरा को देखने को मिलता है। तो ये भी एक इस ट्रैक्टर की काफ़ी बड़ी कमी है कि इसमें मेरे को ओपन EGR सिस्टम दिया गया है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की तीसरी कमी के बारे में। तो इसकी जो सबसे बड़ी तीसरी कमी है वह है इसकी PTO शाफ्ट। जैसे कि आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर में हमने अभी PTO शाफ्ट निकाली हुई है और यहाँ पे एक आफ्टर मार्केट की हमने हिच लगवाई है, क्योंकि इसकी PTO शाफ्ट की एक अलग से असेंबली रहती है जो बाहर की तरफ ट्रैक्टर से निकली रहती है, जो इस हाउसिंग से हमारी करीब 1.5 फुट के यहाँ तक इसकी PTO शाफ्ट आती है, जो डैमेज होने का खतरा रहता है। या आप हैवी लोड के लिए कोई एक्स्ट्रा हिच इस ट्रैक्टर में ऐड करते हो तो आपको वो शाफ्ट निकालनी इस ट्रैक्टर से पड़ती है। तो ये भी इस ट्रैक्टर की काफ़ी बड़ी हमारे को यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो मेरी स्वराज की यानी हमारे को क्या क्या कमियां रहती हैं वो बस यही 3 पॉइंट्स थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।